हाँ तो बच्चा पटेल, दिस इज मी विकास रेड फाइव के चैनल पे पहली दफा एक क्लास में आया पढ़ाने। अब थोड़ा सा पढ़ाने से पहले थोड़ा दिल की बात, मन की बात आप लोग से। ये है मन की बात कि इस लॉकडाउन में आप नहीं, अब तो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो एक रूल को फॉलो करके दारू का खम्मा पी सकते हैं, थोड़ा सा अलग दूध पी सकते थे तो अच्छी बात है, दारू भी पी सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं और सब कुछ खुल सकता है, लेकिन स्कूल नहीं खुल सकता। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि बच्चे को सेफ करके रखना चाहिए, हमारे बच्चे भविष्य हैं, मतलब देश का हम लोग के लिए, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता है कि टेंथ भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बच्चे लोग को नहीं करना चाहिए, कम से कम 9th 10th 11th 12th तो करना चाहिए, सबसे लास्ट में दिया जा रहा है, मतलब सबसे कम इम्पोर्टेंस पढ़ाई का है हमें जैसा लग रहा है। ठीक, बहुत सारे लोगों को मेरे इस बात से तकलीफ होगी और या खेद भी होगा, तो प्लीज अभी पहले डिसलाइक मत मारिएगा, पहले अभी थोड़ा सुन लीजिएगा, सुन ही लीजिएगा कि आप एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप चला सकते हो, कहने का मतलब क्या चला सकते हो, सब कुछ चल सकता है लेकिन स्कूल नहीं चल सकता है। स्कूल के बारे में बोला गया है बाद में खोला जाएगा, मतलब ठीक है बहुत अच्छी बात है, हम चाहते भी, लेकिन सबसे ये चीज बोला गया ना कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन कितने पढ़ते हैं हमें ही पता है। तो मेरा कुछ ज्यादा नहीं था, बस अपना मन का बात था, गवर्नमेंट भी सही है, सारे गवर्नमेंट भी सही है, सब लोग भी सही, बस अपना एक दिल की बात है, क्योंकि इंडिया में बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है इंडिया में, तो इतना तो हम बोल ही सकते हैं, है ना, कि दारू के लिए लाइन में लग के आप लाइन में लग के दारू ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो पढ़ाई के लिए भी तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवा के करा सकते हो। ऑनलाइन कितना पढ़ाई होता है, हर एक पेरेंट्स को पता है मेरे बच्चे ऑनलाइन कितना पढ़ते हैं। ठीक है, उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड करना कीजिए, मगर एक 9th 10th के लिए तो कम से कम ओपन कर दीजिए, शायद स्कूल ओपन होगा चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम पढ़ाने वाले हैं 8th क्लास के बारे में। 8th क्लास में जब आप आ ही गए हो, मतलब 7th क्लास का एग्जाम दिए नहीं आ रहे 8th क्लास में, इसलिए हम बोल रहे हैं आ ही गए, तो पहला चैप्टर सबको पता है फूड प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट होता है। यहाँ पे जानबूझ के मैं इसको थोड़ा सा मिस आउट कर दिया हूँ, क्योंकि सोचा था कि लॉकडाउन में सब तो मिस आउट ही हो रहा है, तो हमें थोड़ा मिस आउट कर दे, तो फूड प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट हम आपको पहले पढ़ाएंगे। मतलब इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा कि फुल्ली, मतलब फुल्ली आपको किसान बन जाना है, किसान क्या बन जाना है, मतलब कि कैसे खेती बाड़ी करना है। इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो पूरा फीलिंग करो कि आप खेत में हो, हल या फिर बीज है वो सब है, वो बोया जा रहा है, वो सब चल रहा है, पहले उसको ऐसे फीलिंग कर लो, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आता है फार्मिंग, किसे कहते हैं, मैं लिख दिया हूँ, छोटे बच्चे हैं आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, तकलीफ हो गया जब हम बोलेंगे लिखने के टाइम में। तो सबसे पहले है फार्मिंग किसे कहेंगे, बस सिंपल सा वर्ड है, टू यूज लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इंग्लिश में अटपटा ढंग से लगा तब हिंदी में समझाएंगे। बस फार्मिंग कहने का मतलब होता है, मतलब कोई भी जमीन, मतलब कोई भी जमीन जहां पे हम कोई भी क्रॉप कोई भी चीज को उगा सकते हैं तो उसको हम लोग फार्मिंग कहेंगे। मतलब समझो 2 कट्ठा मेरा जमीन है, अगर उस पे हम धान का रोप दिए, धान बढ़ गया तो उसको हम लोग फार्मिंग कर देंगे। समझ में आ गया, फार्मिंग का मतलब समझ में आ गया, सिर्फ छोटा सा दिए हम, ज्यादा हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, रटाने का बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। बउआ यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, क्या देखिएगा कि फार्मिंग किसे करते हैं, टू यूज लैंड फॉर, सिंपल सा वर्ड है, ग्रोइंग व्हाट, क्रॉप भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे क्रॉप ही हो जाए, मतलब ऐसा कोई जमीन जहां पे हम प्लांट को रोप सके, खेती कर सके, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। इंग्लिश भी समझ में आ गया, हिंदी भी समझ में आ गया, अब आप लोग क्या बोलते हो, मगही बोल दो, उसमें समझा दे क्या, चलो हम मगही नहीं उतना अच्छा बोल पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा है भाई एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, पहला तो फार्मिंग तो समझ में आ गया सबको, आराम से वीडियो देखो, खेती करना सीख जाओ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बड़ा मजा से, कोई दिक्कत हुआ नहीं दिक्कत। तो फार्मिंग किसे कहेंगे, कोई ऐसा जमीन है जहां पे हम खेती कर सके उसे फार्मिंग कहेंगे। अब वो मत समझना मुरेठा बांध ले फार्मिंग कर,
ये भी हो सकता है आपके लिए, ये भी हो सकता है सब। और दूसरा है एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। कहने का मतलब कि खेती बाड़ी जो हम लोग कर रहे हैं, खेती बाड़ी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब क्या क्या उसमें हम काम कर रहे हैं, कैसे मतलब कब कितना बो रहे हैं, मतलब कब कौन टाइम है तो उस समय धान रोपा जाए, कौन किस टाइम गेहूँ रोपा जाए, उस पर स्टडी करके, तो उसी को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। छोटा सा है द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ अ फार्मिंग, मतलब फार्मिंग जहां पे प्रैक्टिस हो रहा है उसी को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या समझ में आ गया, मतलब और जरूरत भी होता है, नॉलेज भी होता है। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि बरसात के टाइम में आप गेहूं रोप दो और ठंडा के टाइम में धान रोप दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए वर्ड बोला गया है एग्रीकल्चर में द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ अ फार्मिंग। पहले फार्मिंग समझो, फार्मिंग आपको तो समझ में आ गया कि कोई ऐसा खेत, कोई ऐसा खेत, कोई भी ऐसा जगह जहां पे हम कोई क्रॉप को या क्रॉप को या प्लांट को उसको उगा सके, मतलब बो सके, बोने के बाद उसमें से फल आ जाए, उसको खा ले, उसे फार्मिंग कहेंगे, सॉरी फार्मिंग कहेंगे। और एग्रीकल्चर किसे कहेंगे। अब अगला स्टेप कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे प्रैक्टिस किए, कैसे कैसे काम किए, उसी को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके, एक चीज और बता दे, अलग अलग आप लोग अलग अलग स्कूल से हो एट क्लास में, तो एट क्लास के में ज्यादातर स्कूल प्रेफर नहीं करते एनसीईआरटी, तो डेट्स वाई आपके आगे पीछे होगा हर एक बुक में, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे मिलेगा आपको। एक एनिमल्स हस्बेंड्री किसे कहते हैं, बड़ा सिंपल था, खटाल आप लोग जानते हो तो उसी को एनिमल्स हस्बेंड्री कहते हैं। बस इतना समझ लो, खटाल में क्या होता है, बहुत सारा गाय भी रहता है, भैंस उस रहता है, उसको कब खाना खिलाना है, कब मतलब क्या करना है, कब क्या करना है भाई, क्या करना है, कब कहने का मतलब है कि दूध कब उसे लेना है, तबीयत खराब हो गया तो इंजेक्शन कब देना है, उसी को एनिमल्स हस्बेंड्री कहेंगे। एनिमल्स हस्बेंड्री में मतलब होता है कि उसमें जरूरी नहीं है कि ओनली काउ होगा, वहां पे आपका बफेलो भी हो जाएगा भाई, है ना, वहां पे बकरी भी हो जाएगा, हाँ बकरी भी हो जाएगा, चलो भाई बकरी का भी नाम भी होता है, जीओ है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब है बकरी का पालन करना या गाय का पालन पोषण करना बहुत बड़ा एक क्षेत्र में ले जाए, या भैंस का पालन करना या बुल का भी किया जाता है, टेंशन मत लो, तो उसका करना उसी को एनिमल्स हस्बेंड्री कहते हैं। तो आज हमने तीन चीज जाना, क्या तीन चीज जाना, पहले मैं आपको पहले बता दिया फार्मिंग किसे कहते हैं, बुआ समझ में आ गया, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, बहुत अच्छा वो भी समझ में आ गया। एक और रिवीजन करा देते हैं कि फार्मिंग किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा जमीन जहां पे हम, फिर से एक बार और अच्छे ढंग से, कोई भी ऐसा जमीन जहां पे हम लोग खेती, जहां से हम लोग खेती बाड़ी कर सके, खेती बाड़ी करने का मतलब है कि आलू रोप सके, मकई रोप सके, गेहूं रोप सके, कुछ भी रोप सके यार, तरबूजा भी रोप सके, खीरा भी रोप सके, ककड़ी भी रोप सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फार्मिंग कहेंगे। तो वजह समझ में आ गया, अब एग्रीकल्चर किसे कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, कैसे कैसे किया जाना चाहिए, मतलब कैसे कैसे कब बोना चाहिए, ऐसा थोड़े है कि जब गर्मी का टाइम है और उस टाइम हम गेहूं को रोप देंगे, आलू को रोप देंगे, नहीं ना होता है, बरसात का टाइम है और हम गेहूं को रोप दें, नहीं ना हो सकता है, ठंडा का टाइम है और इसको धान को रोप दे, ऐसा कभी नहीं ना होता, उसके लिए भी आपको जानना होता है। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स हस्बेंड्री किसे कहते हैं, सिंपल था, खटाल को देख लो, एनिमल्स हस्बेंड्री समझ में आ गया। अब चलेंगे आगे, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करना होता है, एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या करना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या करना होगा। ऐसा थोड़ा है कि गए आप डायरेक्ट गए कोई जगह और डायरेक्ट आलू बो दिए, ऐसा तो कभी नहीं ना होता है, पर्टिकुलर काम करना होता है। आप लोग भी बहुत बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, वही वन बाई वन आज प्रोसेस को हम समझेंगे, मतलब आज टीजर हम बताएंगे और उसके बाद मूवी भी हम आएंगे। टीजर में समझिएगा सबसे पहले करना क्या पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कुछ भी करने से पहले आपको कहीं भी स्कूल जाने से पहले, शादी में जाने से पहले, पार्टी में जाने से पहले तैयार होना होते हैं या नहीं होते हैं,
उसी तरह से एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए पहले सॉइल को तैयार किया जाता है। अब ऐसा थोड़ा है कि हम पत्थर से जाके खेती बाड़ी करने लगेंगे, ऐसा थोड़ा है ईंटा पे खेती बाड़ी करने लगेंगे, ऐसा थोड़ा है जहां पे खेत को जोतेंगे नहीं और कर देंगे, मतलब जोत उसके लेबलिंग उबलिंग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब समझो ऐसे पूरा ऊपर था मट्टी उट्टी था, अब उसको उधर से ट्रैक्टर आ गया और उधर से मान लीजिए ट्रैक्टर आ रहा है, करते करते ट्रैक्टर आया, अब इसको पूरा जोत दिया, अब इसको लेबलिंग कर दिया, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी कि एग्रीकल्चर में सबसे पहला बच्चा क्या काम होता है, सॉइल को बनाना। अब दूसरा, सॉइल आपका तैयार हो गया, पूरा लेबलिंग उबलिंग हो गया, अब तीसरा दूसरा पे हम जाए क्या करना है, सीड को सिलेक्शन करना, मतलब कौन ज्यादा सीड है जो ज्यादा पैदावार देगा, कौन ज्यादा अच्छा सीड है जो बीज है, मतलब सीड मतलब बीज, कौन ऐसा बीज है जो ज्यादा क्या प्रोटेक्शन करेगा खुद को अपने आप से, जब कीड़ा मकोड़ा उस पे आएगा तो पहला काम क्या जमीन को बनाना, दूसरा काम क्या सीड को सेलेक्ट करना कौन अच्छा सीड है, तीसरा काम क्या, देखो पहले ऐसे समझो, अब समझो हम किलो बन गए और आप लोग ऑडियंस हो, मतलब मूवी देखने वाले, वैसे समझो पहला जमीन को ऐसे ऐसे तैयार कर दिया, दूसरा सीड को ऐसे सेलेक्ट किया, मतलब पूरा जमीन को ऐसे ऐसे तैयार कर लिया, दूसरा क्या किया सीड को सेलेक्ट किया, और तीसरा में क्या हो जाता है सीड को रोपा जाता है। तीन चीज समझ में आ गया एग्रीकल्चर में, सबसे पहले ये था क्या था कि सॉइल को बनाना है, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि सिलेक्शन करना है सीड का, और तीसरा क्या करना है कि अब सीड को बो देना है। तो तीन तो आपको समझ में आ गया, अब समझो कि आपने, अब समझो फील करो पूरा कि एकदम तपतपाती धूप है, उसमें 10 दिन पहले आप खेत बना लिए, 10 दिन बाद सीड का सिलेक्शन कर लिए, उसके 10 दिन बाद सीड को रोप दिए, और फिर अगला 10 दिन के बाद सीड बढ़ेगा, पेड़ बढ़ने लगेगा, उसमें खाद पानी का जरूरत होगा ना, जैसे आपको खाना पीने का जरूरत होता है उसको भी होगा ना, तो जब खाद पानी दिया जाएगा उसे कहेंगे मैन्योरिंग ऑफ अ सॉइल। समझ में आ गया, पहला फिर से, पहला जमीन को तैयार करना, दूसरा सीड को सेलेक्ट करना, चुनना कौन अच्छा सीड है कौन अच्छा बीज है, तीसरा बो देना, चौथा खाद देना, और पांचवा बिना पानी को जिंदा रहते हुआ नहीं ना, तो इरिग्रेशन करना, इरिग्रेशन ऑफ अ फील्ड, मतलब क्या कि पानी उनी पटाना। समझ में आ गया, अब सिक्स, अब मान लो सब कुछ ठीक है, अब खेत भी अच्छा से बना दिए, बीज भी अच्छा डाल दिए, और फिर से क्या कर दिए, वो भी दिए, खाद भी दे दिए, पानी भी दे दिए, लेकिन उधर से चार पांच को बैल उल आ जाएगा, भैंस उल आ जाएगा, वो खा जाएगा या कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा, तो कोई फायदा होगा नहीं होगा, तो प्रोटेक्शन ऑफ अ क्रॉप भी किया जाएगा, क्रॉप का प्रोटेक्शन भी करना है। समझ में आ गया, अब उसके बाद चार पांच महीना बाद वो पेड़ बन के तैयार हो गया है, अब उसको आप जाइए थ्रेसरिंग कीजिए, ठीक है, उसको बीज को लीजिए, जितना जो फल आ गया, जो बीज आ गया, जो अनाज आ गया, और उसको स्टोर करके रख लीजिए और उसको बेच दीजिए और बहुत सारा पैसा कमा लीजिए। तो इसी ऐसे ही एग्रीकल्चर होता है, ये हम आपको टीजर बताए हैं, मूवी जो है अगला क्लास हम समझाएंगे, फिर से एक बार और हम समझा देते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं समझिएगा ये बच्चा पार्टी कि कैसे एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है। तो एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन को सही ढंग से करना है, दूसरा करना क्या है डरो मत, सीड को सिलेक्शन करना है कौन अच्छा सीड है, तीसरा क्या करना बताइए, सीड जो हो गया उसको बो दो, तो चौथा क्या करना है खाद दो, पांचवा क्या करना है पानी पटाओ, छठा क्या काम करना है प्रोटेक्शन करो, और सातवां क्या करना है, अब जो सीड हो गया उसको स्टोरेज करो, उसको कहने का मतलब स्टोर करो और मार्केट में जाके बेच दो और पैसा कमा लो, और उसके बाद ठंडा का पार्टी दो सबको। समझ में आ गया, अब खेती बाड़ी करना सिखाए हैं,
उसके आगे अब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, पर आप छोटा बच्चा सब आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? लॉकडाउन में नहीं पढ़ते हैं तो मत पढ़ो, मेरा क्या आपका जाएगा, लेकिन आपको बहुत पिटाई लगेगा जब लॉकडाउन के बाद मिलिएगा और जब नहीं पढ़िएगा तो। चलते हैं, बाय बाय।